हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं जो करने लगी हूँ वो है किचन की डीप क्लीनिंग। सबसे पहले क्योंकि क्या होता है, डेली आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप अपने किचन को डीपली क्लीन कर सको, बिकॉज सारे घर का काम संभालना, एक छोटा बच्चा संभालना बहुत मुश्किल हो जाती है। हर एक लेडी के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, विच इज आई कैन अंडरस्टैंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज कि आप डेली पूरी किचन को डीप क्लीन कर सको। येस, रेगुलरली बेसिस पे हम डे मॉर्निंग में या नाइट टाइम पे किचन वैसे तो पूरा दिन ही करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा क्लीन करके, लेकिन डीप क्लीनिंग का मतलब आप बिल्कुल अच्छे से ए टू जेड चीज को अच्छे से क्लीन करके रख रहे हैं। आज मैं अपनी डीप क्लीनिंग के अंदर शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले काम मैं दो इंग्रेडिएंट्स को मेनली यूज करने वाली हूँ अपनी डीप क्लीनिंग के अंदर। वन इज द बेकिंग सोडा एंड अनदर वन इज द विनेगर। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स मेरे मेन इंपॉर्टेंटली जो कहते हैं ना वो वैसे रहेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो ये देखिए मेरी गैस का हालात, आप काफ़ी पुरानी है वैसे ये गैस जो इस पर बर्नर्स हैं। तो सबसे पहले मैंने बेकिंग सोडा को यूज़ किया है और वो अच्छे से गैस पे मैंने स्प्रेड कर देनी है। हर एक चूल्हे के ऊपर आप पर्टिकुलरली उसको अच्छे से स्प्रेड करिए। वैसे कहते हैं 15-20 मिनट के लिए आप इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 5-7 मिनट के लिए रख रही हूँ, ज़्यादा देर नहीं रख रही हूँ। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। इसको करने के बाद मैं इसके ऊपर विनेगर ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं वाइट विनेगर जो आपके घर में होता है, हम उसको सिरके को यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैंने ब्रश यूज़ करा है, टूथब्रश जो आपका होता है वो कोने कोने से आपकी गैस को अच्छे से क्लीन कर देगा। आप देख सकते हैं किस तरह मैं कर रही हूँ। अभी मैंने इसके बाद यहाँ पे स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ। स्टील वूल मैं नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे गैस पे निशान पड़ जाते हैं, तो आप स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं। फाइनल जब स्पॉन्ज कर लें तो उसके बाद हम जो हमारे पास दूध, तो सबसे पहले मैं मोप से क्लीन कर लूँगी जो क्लीनिंग के काम आता है। ऊपर वाला पार्ट मैं सिंपल स्पॉन्ज से ही कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो विनेगर स्प्रे कर सकते हैं। और जो टूथब्रश होता है उसके ब्रिसल्स काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके बटन्स को क्लीन करने के लिए। एंड देन ड्राई क्लोथ से उसको साफ पोंछ लीजिए, चाहे टिश्यू पेपर से। अब हम बात करते हैं माइक्रो, तो हम अभी क्लीन करेंगे माइक्रोवेव। आप देख सकते हैं कितनी स्टेन्स इसके ऊपर इकट्ठी हुई हैं, ये ऑयल की हैं क्योंकि ये गैस के बिल्कुल क्लोज होता है, इसीलिए उस पर सारी स्टेन्स आ जाती हैं ऑयल की। तो इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले देखिए साइड भी बहुत गंदी है, मैंने प्लेट को क्लीन कर लिया डिश वॉशर से। इसको क्लीन करने के लिए मैंने एक मिक्सचर बनाया है जिसमें मैंने अगर एक स्पून जो है वो विनेगर का यूज़ किया है तो 2 स्पून वाटर के और साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो ये स्प्रिंकलर के अंदर मैंने वही मिक्सचर बनाया हुआ है, मतलब जितना विनेगर लोगे उसका डबल अमाउंट ऑफ वाटर। अब आप उसको अच्छे से पोंछ लीजिए स्प्रिंकल करने के बाद, कुछ वेट करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल उसको टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिए। आप डस्ट देख सकते हैं ऊपर भी बहुत ज़्यादा गंद होता है लगा हुआ, हमें पता नहीं चलता इस बात का। अब मैंने ऊपर भी सेम वही स्प्रिंकलर किया है, बेकिंग सोडा विनेगर और वाटर वाला। तो अब ये स्प्रिंकल करने के बाद इसको मैंने स्पॉन्ज से अच्छे से क्लीन कर दिया। आप देख सकते हैं स्पॉन्ज से मैं क्लीन कर रही हूँ, साइड में भी वैसे ही क्लीन करूँगी। ये मिक्सचर बहुत अच्छा है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप विनेगर यूज़ करेंगे एक पार्ट, दो पार्ट उसमें वाटर, मतलब वाटर हर टाइम डबल रहेगा, और माइन्यूट अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। तो देखिए सारा मेरा अच्छे से क्लीन हो गया। मैंने इसको पेपर रोल से, टिशू पेपर से अच्छे से क्लीन कर दिया, जो किचन रोल होती है मेरी। अभी अब फ्रिज भी साथ में क्योंकि नियर बाय है गैस के, तो वो भी, और मैंने इसका फ्रंट पार्ट भी सेम वैसे स्प्रिंकलर से कर दिया है। तो मैंने इसको ऊपर भी स्प्रे कर लिया वो सेम, और वही स्पॉन्ज कर दिया। एंड अब इसको ड्राई कर रही हूँ टिश्यू पेपर से। अब ये प्लेट भी सूख चुकी है तो मैं इसको अंदर रखने लगी हूँ माइक्रोवेव के। माइक्रोवेव में ना हर टाइम फूड की स्मेल रहती है, उसके लिए एक ट्रिक है। आप क्या कीजिए, लेमन को स्क्वीज़ कर लीजिए एक बाउल के अंदर, और उस बाउल को आप क्या कीजिए माइक्रोवेव के अंदर रख दीजिए और माइक्रोवेव को ऑन कर दीजिए। 1 मिनट के लिए आप अपने माइक्रोवेव को ऑन कर दीजिए, चला दीजिए, जिसकी वजह से वो जो स्मेल है वो आपकी माइक्रोवेव के अंदर से छूमंतर हो जाएगी। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। इनफैक्ट ये सिर्फ इसके लिए नहीं, आप रेफ्रिजरेटर के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए सिंक का हाल कितना गंदा है। मैं आपसे एक बात बताऊंगी, ये जो गंदा खाना होता है, जब हमारा जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो कभी मत रहने दीजिए सिंक के अंदर, उससे स्मेल पड़ जाती है। तो सबसे पहले मैं करने लगी हूँ बेकिंग सोडा को स्प्रिंकल, इसके अंदर सारा स्प्रेड करने लगी हूँ बेकिंग सोडा को। आप देख सकते हैं
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे 5 मिनट के लिए इसको ऐसा सच रख दीजिए, चाहे उसी टाइम पे क्लीन कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो स्प्रिंकल करने से पहले गर्म पानी से भी अपने सिंक को क्लीन कर सकते हैं पहले, और उसके बाद आप बेकिंग सोडा को ऐड कर सकते हैं। ये स्प्रे करने के बाद मैं स्पॉन्ज का यूज़ करने वाली हूँ, अपना जो हमारा बर्तन धोने वाला जो स्पॉन्जर होता है उसको यूज़ करने वाली हूँ, और इससे मैं सारा इसको क्लीन कर दूंगी अच्छे से, साइडों साइडों तक इसको मैं क्लीन कर दूंगी। और अभी सिंक एक और चीज़ बहुत अच्छी है, मेरे पास एक ब्रश है, ये जो ब्रश आप देख सकते हैं, इस ब्रश को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये अंदर अंदर तक आपके सिंक को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकता है, डीप क्लीन कर सकता है। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप नॉर्मल टूथ ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। सेम सीव को क्लीन करने के लिए भी वैसे तो मैं इसी ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आपका कोई पुराना टूथ ब्रश या कोई नया टूथ ब्रश आप इसके लिए लगाना चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी आपकी जो सीव है वो क्लीन हो जाएगी। अब बात करते हैं शेल्फ़ को क्लीन करने की। शेल्फ़ को क्लीन करते वक्त हर टाइम ध्यान रखिए ये जो बॉटल्स आपने रखी होती है ऑयल की, शुगर जो भी है आपके पास या स्पून के लिए रखा है उसको ज़रूर हर टाइम पोंछिए, नहीं तो ऑयल इकट्ठा हो जाता है उस पर। अब हम बात करते हैं गैस का बॉटम पार्ट है जहाँ ओवन वाला है, तो उस पर भी मैंने सेम वही विनेगर, बेकिंग सोडा और वाटर वाला मिक्सचर जो है उसको स्प्रे कर दिया है, और उसको स्प्रे करने के बाद अब तो बॉटल भी ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए देखिए आप बॉटल का, तो अब उसको सिंपल वही स्पॉन्ज के साथ दोबारा अच्छे से रब कर दीजिए और ये भी क्लीन हो जाएगा। क्लीनिंग हो चुकी है, डीप क्लीनिंग हो चुकी है और सारी किचन अब साफ हो गई है। बहुत अच्छा अच्छा फील होता है ना, क्योंकि हमें क्या होता है ना, जो फीमेल्स होती है हमें किचन में बहुत रहना होता है, तो हमें किचन जो है वो बहुत क्लीन क्लीन चाहिए होती है। बट ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड वर्किंग होने की वजह से या कोई और रीजन होने की वजह से या पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से पूरा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन इस तरह किचन मैंने साफ कर दी है। मैंने मेजर पार्ट इन्वॉल्व करे माइक्रोवेव, गैस, अवन वाला नीचे बॉटम पार्ट जो था, काउंटर टॉप और सिंक्स, और साथ में अपनी कबर्ड्स। तो ये मैंने आज क्लीन किया, अंदर से मैंने कबर्ड्स को भी ऑर्गेनाइज नहीं किया, क्लीन नहीं करा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी क्लीनिंग करने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वो जो बेल आइकन होती है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज उसकी वजह से आपको मेरी फर्दर नोटिफिकेशंस मिलेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।